सो हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का पहला टेस्ट कंडक्ट हो चुका है पीटीएस यानी परमार टेस्ट सीरीज़ का, और बहुत ही उम्दा रिस्पांस आया आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे थे और कुछ मैं मुझे भी आप लोगों को बताना था जिससे आप इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि बहुत बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के कमेंट में और कल फ़ोन कॉल्स में भी रिसीव किए गए, तो सारे डाउट्स आपके पहले वो कवर किए जाएंगे और फिर जो मुझे बताना है मैं बताऊँगा। मुझे पक्का पता है कि इसमें आपका डाउट भी इंक्लूडेड है, और अगर फिर भी ऐसा होता है कि मैं आपका डाउट इसमें आंसर नहीं करता हूँ इस वीडियो में, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि सारे डाउट्स का आंसर दे दूँ इस वीडियो में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका डाउट क्या है। तो सीधे एक एक स्टेप हम देखेंगे और आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे जिन लोगों का जहाँ पे भी डाउट आ रहा था, और बहुत लोगों का जैसे कि एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल रहा टेस्ट सीरीज़ का, या फिर हम टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। और कौन कौन से टेस्ट कब कब खुलेंगे ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों ऐसा रखा गया है कि हर टेस्ट अपने एक टाइम पर खुलेगा, ना कि कभी भी जब मन आया तब हमने टेस्ट दे दिया, वो क्यों नहीं है प्रोसेस, वैसे मैंने बताया था पहले लेकिन फिर से मैं इसमें बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो था साइन इन का। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्या करना है, permardefense.com है, या आप गूगल टाइप करके सर्च करोगे तो आपको ये हो सकता है नहीं दिखाएगा, तो इसी वजह से टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब में भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दिया जाता है ताकि आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकें। और जब आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है जहाँ कि आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना होता है। ईमेल और पासवर्ड जब डालें तो ध्यान रहे कि ये आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं और यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पहली सिर्फ एक बार होता है और फिर उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ता है। तो जब अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि ईमेल वही होना चाहिए और पासवर्ड भी वही होना चाहिए, और साइन इन का यहाँ पर बटन दिखना चाहिए, ना कि साइन अप का। और अगर आपको जैसे ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो अगर लिख के आता है दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसका मतलब है कि आप साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं, साइन इन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तुरंत मैं आ गया यहाँ पे और मेरा अकाउंट खोल गया। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे अभी ये है माई एनरोलमेंट्स, यानी कि ये मैंने परचेज कर रखा है, सिंपल सी बात, ठीक है। और मैंने इसमें एक टेस्ट लगा लिया तो ये दिखा रहा है कि 20 में से एक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है रीटेक टेस्ट, जैसे कि एक यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा चुका है इस अकाउंट से, तो वो दिखा रहा है कि आपके पहले अटेम्प्ट में इस अकाउंट से कितने मार्क्स आए थे 13.550 में। फिर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको दोबारा देना है, ये जो रीटेक टेस्ट का ऑप्शन है सिर्फ पहले वाले टेस्ट में है जो कि फ्री वाला टेस्ट था, बाकी में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। ये क्यों रखा गया है, ये तब इसी वजह से रखा गया ताकि जो लोग स्पैम कर रहे हैं वो स्पैम ना कर सकें। अभी इस लीडर बोर्ड मैंने देखा कि लोग स्पैम कर करके ऊपर आ रहे हैं, तो वो ना कर सकें और आप पहले टेस्ट को सीरियसली दें, और उसके बाद अपना आप पूरा रिजल्ट फिर से यहाँ से देख सकते हैं। और रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिजल्ट को एनालाइज करना है। बाकी टेस्ट के अगर हम देख लें तो सब देखिए शेड्यूल्ड है, जैसे मैं टेस्ट 1 तो हो चुका है जो ट्रायल वाला है, ठीक है, और टेस्ट 2 अब देखिए हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब कभी देंगे। जैसे कि अभी किसी ने, अगर मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने टेस्ट दिया नहीं है, तो अब आप दे नहीं पाएंगे। आप 22 अप्रैल तक कभी भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, वो हर टेस्ट के लिए यही चीज़ लागू है। अब जैसे मैं टेस्ट 2 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर टाइमर आ जाएगा कि 1 दिन 3 घंटे और 11 मिनट बाद ये टेस्ट खुलेगा, रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद फिर आप इसको कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट 1 पे क्लिक करके इसको एनालाइज़ कैसे करना है। जैसे कल बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे तो टेस्ट बीच में कहीं ना कहीं 10:30 के अराउंड कुछ स्टूडेंट्स के लिए रुक गया था, लेकिन फिर से वहीं वो टेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया था, रीस्टार्ट कर दिया गया था। रुका इसी वजह से था क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से वेबसाइट पे आ गए थे। तो हम वेव रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम वेव रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी रिपोर्ट आ गई कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए, कितना मेरा परसेंटाइल आया। परसेंटाइल का मतलब है कि मैंने बाकियों के कंपेयर में मेरा क्या परसेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि परसेंटाइल 16.85 है, ठीक है, 85th आप देख पा रहे होंगे, तो इसको हमें बढ़ाना है परसेंटाइल को, ठीक है। और एक्यूरेसी 71.1% का मतलब ये है कि मैं कितने क्वेश्चन में टिक लगा रहा हूँ और उसमें से मेरे कितने सही हो रहे हैं, वो एक्यूरेसी को दर्शाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100% एक्यूरेसी, यानी कि जितनों में मैंने टिक लगाया वो सारे सही हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि सॉल्यूशन कैसे देखें। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परफॉर्मेंस इन टेस्ट 1 दिखाएगा आपको, और व्यू सॉल्यूशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपोर्ट भी मिलेगी, तो पहले हम व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं, फेचिंग आंसर। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन है, मैंने ये जिसने भी अटेम्प्ट किया तो उसने गलत किया पहले अकाउंट से, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे देखूँगा,
तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करना होगा, सिंपल बात, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसको जिसका लिंक आपको YouTube में डायरेक्टली आपको ले जाएगा वो रेफरेंस के तौर पे। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल में अगर आप दे रहे हैं तो अगर आप ये जो तीन डॉट्स हैं इस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे लगा लेंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा पैसेज है जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और ये जो है क्वेश्चन है, और इस पर जब हम एक्सप्लेनेशन पर क्लिक करेंगे तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आ गया विद वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसका आंसर और टिप क्या है कि हमेशा पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए उसके बाद हमें पैसेज को पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमें रागा का सेक्शन के सोल्यूशन देखने हैं तो ये प्लस वन सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या रागा में स्विच करना है, तो आप रागा पे क्लिक कर दो और उसके बाद चेंज सेक्शन जो आप नीचे देख पा रहे होगे इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही मैं रागा के सेक्शन में आ जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या था, फिगर रिलेटेड था। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो मैंने एक्सप्लेनेशन पे क्लिक किया जो कि लेफ्ट साइड में दिया है और उसके बाद ये वीडियो पड़ा हुआ है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, आप इसको देख सकते हो। तो ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन देखने हैं। और फिर अगर आपको हर सेक्शन के इंडिविजुअल जैसे कि इंग्लिश के अलग मार्क्स देखने और रागा के अलग, तो ये क्वेश्चन रिपोर्ट पे आप क्लिक करिए। जैसे आप इस क्वेश्चन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश में मैंने कितने क्वेश्चन थे 20 थे, मैंने कितने सही किए 10 सही किए, 6 गलत, 4 मैंने छोड़ दिए, 8.5 नंबर आए और टाइम कितना लिया 3.36 मिनट, ठीक है। और सारे क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं इंग्लिश के, पहला क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था, सही आंसर क्या था और आपने कितना टाइम लिया 0.14 मिनट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आ जाएंगी। फिर मान लीजिए आपको रागा के लिए देखना है तो ये प्लस वन मोर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस क्लिक करोगे फिर रागा पे क्लिक करिए और चेंज सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो अब देखिए सब सारा कुछ रागा का यहाँ पे खुल के आ गया है। तो ऐसे इसको आपको एनालिसिस को अच्छे से देखना है और फिर उसके बाद नीचे पूरा एनालिसिस दिया है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे आपके देख सकते हो रैंक भी आती है कि आपने कितना कितने लोगों में, जैसे 2755 में कितनी रैंक है 2247, ठीक है। और वैसे तो मैं सोच रहा था कि जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे स्पैम किया 55 आउट ऑफ 50, या तो उन्होंने रीटेक किया है, जानबूझ के नहीं किया होगा लेकिन उन्होंने सकता है रीटेक किया, तभी ये आगे टेस्ट से ऑप्शन ये हटा दिया जाएगा ताकि आप लोग सीरियसली एक ही अटेम्प्ट में उसको अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो थैंक यू जो आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया और बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा और उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम रिलेवेंट था और बहुत मेहनत की गई है इस टेस्ट को लेके और वो साफ आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं इसमें और आपको लग रहा है कि लोगों के 50-50 या फिर 40 आ रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, आपको एक लेवल पे आना है। अगर मैं इस टेस्ट की कट ऑफ की बात करूं कि सर इसका आप कट ऑफ कितना रखना चाहेंगे तो मैं अराउंड 35। अब मैं कुछ लोगों के यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। पहले तो वो लोग जिनके मार्क्स कम आए और उनको लगा कि सर थोड़ा सा ये पैसेज हार्ड है या फिर कुछ चीज़ हार्ड है, तो देखिए हार्ड नहीं है। आप मुझे पता है कि आपका हो सकता है कि इनिशियल लेवल हो, आप उस पर काम कीजिए अपने गलतियों पर। जैसे ही आप गलतियों पर काम करते रहेंगे, टेस्ट बाई टेस्ट देते रहेंगे, तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। यही कारण है कि आपको एक साथ टेस्ट नहीं दिए गए, क्योंकि जैसे आपने इसमें मार्क्स कम आए थे आपके, तुरंत आप अगला टेस्ट लगाते क्योंकि आपके अंदर एक आग आती कि नहीं मुझे स्कोर बढ़ाना है जल्दी से, और वो आग नहीं हम उसको इतनी जल्दी बुझाने देंगे। क्यों नहीं बुझने देंगे? क्योंकि पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ हमें आप में डेवलप करनी है, क्योंकि आपका टेस्ट फिर उससे वेस्ट हो जाएगा अगर जैसे आपने तुरंत लगा लिया और आपका मार्क्स बढ़ेगा नहीं। अगर आप तुरंत लगा लोगे बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने कुछ नया सीखा ही नहीं तो कहाँ से बढ़ जाएगा उसमें स्कोर, आप खुद ही बताइए। तो इसी वजह से बीच में एक दिन का टाइम मिलता है, वो टाइम इसी वजह से दिया जाता है कि आप बार बार अपनी गलतियों को देखें टेस्ट में आके और उस पर काम करें ताकि अब जब अगला मॉक होगा तो उसमें आप अपना मार्क्स बढ़ा सकें। और जिन लोगों को एक दो लोगों को ईजी लगा है तो रुकिए ज़रा, अभी रुको, सब्र करो और एक दो टेस्ट और दो, यानी कि जब तक पाँच, वही है ना कि एक कहावत है कि आप किसी से मुलाकात में पहली मुलाकात में उस बंदे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते हैं। वही अभी क्या है कि जो लोग भी इजी बोल रहे हैं फिर जो लोग को हार्ड लग रहा है, तो अभी क्या है कि आपने सिर्फ इस फील्ड में आप नए हैं, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया होगा या फिर दो बार, तीन बार, चार बार, मैं कितनी बार से आपके एग्ज़ाम्स करा रहा हूँ मुझे पता है कि क्या ट्रेंड रहता है। अभी आपको नहीं पता है कि जो पिछली बार जो रागा का सेक्शन है वो हार्ड क्यों आया था,
उसके कई रीज़न्स, और उसमें से एक रीज़न था लॉकडाउन, जिसमें कि आपको बहुत सारा टाइम मिला। तो वो मुझ पे छोड़िए कि मुझे आपको कैसे क्वेश्चंस करवाने हैं। मैं आपको मीठा सिरप भी दूंगा और कड़वी टैबलेट्स भी दूंगा, फ़ायदा दोनों से मिलेगा। लेकिन ठीक है, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप टेस्ट लगाते रहिए जितना मैं कर रहा हूँ। अगर आप उतना करते रहे तो बहुत 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 बेटर पोजीशन पे होंगे आप दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आप जान लीजिए। बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करना है, हर क्वेश्चन का सलूशन ज़रूर देखना है। स्पेशली जो गलत किया है उसका तो छोड़ ही नहीं सकते हो, जिसमें तुक्का मारा है सही हो गया है उसका भी देखना है, क्योंकि वो आता नहीं था आपको, आपने गलती से उसको सही कर दिया। और जीके के तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया जीके का, तो फिर आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं, फिर मैं ये कहूँ कि सिर्फ 20-30% ही लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपने उस क्वेश्चन का आंसर तो जान लिया, लेकिन बाकी और उस तरह के और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से, वो आपने नहीं सीखा। अब मैं आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व कर देता हूँ। तो डाउट्स आप लोगों के कुछ ऐसे थे कि साइन इन का प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम आते हैं वेबसाइट में तो साइन इन नहीं हो पा रहा है। तो पहला जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि साइन अप नहीं करना, आपको साइन इन करना है। अगर वो सब कुछ आप कर रहे हैं सही से और वही ईमेल और वही पासवर्ड डाल रहे हैं जो आपने साइन अप के दौरान डाला था, और आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो आप फिर उसका स्क्रीनशॉट खींच के ईमेल पे भेज सकते हो, parmar8498@gmail.com। ठीक है, और आप ये चीज़ करने से पहले आप दूसरे के फ़ोन से भी चेक कर लिया करिए, हो सकता है कि आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर दूसरे के फ़ोन से वो चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, और ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि आप अभी तक तो मतलब सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनके में ऐसा दिक्कत आया है, एक दो ही होंगे, नहीं तो सभी का बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है आपके ही साइड से प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप parmar8498@gmail.com पे स्क्रीनशॉट जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा, पेमेंट का मत भेजिएगा, क्योंकि पेमेंट मुझे पता है आपने कर दिया है, अब प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि वाइट स्क्रीन हो जाता है पूरा, तो वाइट स्क्रीन जो भी है उसका आप स्क्रीनशॉट खींच के भेजना, और वो उसका रीज़न मैंने बता दिया कि क्यों एक दिन बाद एक टेस्ट खुलेगा, वो तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही इंटेंशनली वो चीज़ किया गया है, और उस चीज़ का आपको एहसास कुछ दिनों बाद होगा, हो सकता है 10-15 दिन बाद, या फिर हो सकता है जब आप अपना रियल एफओस एग्ज़ाम देखें तब आपको उस चीज़ का असली एहसास हो जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया था। और क्योंकि बहुत लोगों का भी सिलेबस भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से टेस्ट को डिज़ाइन करके दिया हूँ, और वैसे ही अभी टेस्ट आने वाले हैं। और जब आपके लास्ट डेज होंगे तो डेली बेसिस पे हम तुरंत एक वीक पूरा डेली बेसिस पे टेस्ट तुरंत आपका मोमेंटम इतना बना देंगे कि आप एग्ज़ाम को तुरंत वही है कि फोड़ देंगे, फिर जाके ऐसा आपका मोमेंटम लास्ट डेज में हम बना देंगे डेली टेस्ट लेके। ठीक है, अभी है धीरे धीरे आप, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस का भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि अभी वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा आपके पास टाइम है, फिर बाद में उतना टाइम बचता नहीं है, बाद में सिर्फ रिविजन रिविजन और रिविजन रह जाता है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बस। और बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसके अलावा भी हमें कुछ लगाने की ज़रूरत है, जैसे ग्रुप वाई के स्टूडेंट है, तो अगर आप को और लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना लगाते गए और इसी पे काम करते गए। ये लोगों के साथ दिक्कत होती है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें और वो भी ले लें, और किसी एक चीज़ को ढंग से नहीं करते हैं, तो आप इसी से स्टिक रहिए जो मैं करवा रहा हूँ। आपको खुद पता है कि इस लेवल का टेस्ट सीरीज़ कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको भी पता सत्य है, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी आपको मिल रहा है, क्योंकि इतना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे आपको टेस्ट क्वेश्चन देने के लिए, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप एक्स के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है बहुत नाराज़ हैं मुझसे, बहुत नाराज़ हैं मुझसे, मुझे उस चीज़ का भी एहसास है, लेकिन अब मैं उसके रिगार्डिंग भी आंसर दे देता हूँ। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है, और उस टेस्ट सीरीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और हम ऐसा नहीं करना चाहते कि किसी एक चीज़ में क्वालिटी कम रखें। इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं ग्रुप एक्स के स्टूडेंट, इसी वजह से इंग्लिश का मैंने टेस्ट अलग से कंपाइल करके डाल दिया। आप इंग्लिश का कर सकते हैं, इंग्लिश का आपका पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप वो जितने भी टेस्ट हैं वो लगा लेते हैं 20। ठीक है, उससे आपका बहुत ही अच्छा लेवल पे आ जाएंगे इंग्लिश में, और अभी तो नहीं, हाँ अगली बार हम ज़रूर आपके लिए ला सकते हैं ग्रुप एक्स के स्टूडेंट हैं चाहे फिर नेवी के स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी ग्रुप एक्स के स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश से ही काम चलाएं, क्योंकि मैंने उसका रीज़न बता दिया, क्योंकि फिर देने को तो मैं तुरंत दे सकता हूं, लेकिन आपको पता है मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। ठीक है, और अब समय आ गया है फिर से अपना GS चालू करने का, तो आज इवनिंग में हो सकता है आपको GS आज फिर से आप लोगों के चालू हो जाए, और शायद आज मैं आपको ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो वहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, और आप लोग बताते रहा करें कमेंट में कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कोई सब्जेक्ट है जो आपको बहुत वीक है और आपको कहीं पे वीडियोस में नहीं मिल रहे हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो वो आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो मैंने आपके सारे ऑलमोस्ट डाउट सॉल्व कर दिए होंगे। अगला टेस्ट कल यानी कि 2 मार्च सुबह 10 बजे आएगा। ठीक है, वैसे ऑल्टरनेटिव्स में, और मतलब हर वो आपको सूचित
किया जाता रहेगा। और टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं हैं ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट ऑडियोज़ देता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ रेगुलरली देना मुश्किल होता है, तो ऑडियो देता रहता हूँ और क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उन दोनों को नहीं मतलब एक ही टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। और जो भी लोग आपके फ्रेंड हैं, जैसे यहाँ पे इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। आपने पहला टेस्ट अगर लगाया है तो, और लगाया है तो आपको पता है कि कैसा है टेस्ट। तो जो लोग फालतू के टेस्ट लगा रहे हैं वो फालतू के टेस्ट ना लगाएं, इस वजह से अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और बताएं इसके बारे में कि कोई ऐसा टेस्ट भी है जो कि आपको बेहतरीन लेवल दे रहा है, बेहतरीन क्वालिटी दे रहा है और सबसे कम प्राइस में, क्योंकि बहुत लोगों का प्राइस का भी इशू आ रहा था मुझे पता है, लेकिन इससे जैसे ने बताया था कम पॉसिबल नहीं है। अगर आप परमार कोड यूज़ करते हो तो आपको तुरंत 31 रुपीज़ का ऐसा कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो इससे कम पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट, समझिए, ठीक है। और आपको मेरे साइड से कोई भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बस इतना ही कहना था कि आप लोग अच्छे से टेस्ट को लगाते रहिए और ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। अगर मैंने मेहनत कर दी, आप भी थोड़ा मेहनत कर दोगे तो सफल हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी पीटीएस यानी परमार टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और उसका रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा वो सिर्फ ग्रुप, ठीक है। जो परमार टेस्ट सीरीज़ यानी पीटीएस के स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो ग्रुप होगा, ताकि वहाँ पे वो डिस्कस कर सकें टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग कि उनके मार्क्स कितने हैं, उनके रैंक कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पेशली वो डिस्कस कर सकें। उसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।